Dear students, in this module, we are going to see the reaction of capitalism on socialism. Capitalism is a system that is based on private ownership of means of production and the production of goods and services for profit making. Capitalists argue that socialism is insufficient and inefficient because it eliminates the incentive to hard work. एंड इनोवेशन एंड दैट इट अल्टीमेटली लीड्स टू एक्नॉमिक टैगनेशन एंड डिकलाइन कैपटलिस्टिक सिस्टम के अंदर चूँकि हम ये देखते हैं कि कंपटिशन बेस्ड होता है और प्रॉफिट मेकिंग जो है वो सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी भी कैपिटलिस्ट के लिए कि ताकि वो अपना आ, अपने जो रिसोर्स हैं उनको इन्वेस्ट कर सके नई कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सके लोगों के लिए लेकिन कैपिटलिस्ट का इस सबसे बड़ा एतराज़ जो सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर होता है वो ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें से कंपटीशन ख़त्म कर दिया जाए उसमें कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा कोई मोटिव नहीं बचेगा और इसी वजह से ये सिस्टम जो है इट वुड अल्टीमेटली डिक्लाइन और ये सिस्टम फेल हो जाएगा सो द कैपिटलिस्ट क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द फ्री मार्केट इज़ द मोस्ट एफिशेंट वे टू एलोकेट रिसोर्स एंड एंशोर द एकनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन इस सिस्टम के तहत चूँकि हमारे पास इनोवेशन है लोग जो हैं उनके पास इंसेंटिव है मोटिव है इस वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम के अंदर जाते हैं लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम जो है ये ज़्यादातर स्टैगनेशन प्रोड्यूस करता है एक जमूत तारी कर देता है किसी भी इकानमी के अंदर लोगों के पास मेहनत करने के लिए कोई मोटिव नहीं बचता है उनको पता है कि चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्स जो है वो इक्विटेबल बेसिस पे हो ही जानी है तो हमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें भी उतना ही मिलेगा जितना कि बाकी लोगों को मिल रहा है तो ऑन द होल इस सिस्टम के अंदर वो जो की मोटिव होता है इंसान के लिए जो उसको मजबूर करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाए वो मोटिव जब इसमें से ग़ायब हो जाएगा तो कैपिटलिस्ट का ये ख्याल है कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है इट वुड अल्टीमेटली कोलैप्स इन पाकिस्तान द कैपिटलिस्ट आइडियाज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी विद अ फोकस ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप तो कैपिटलिस्टिक मोटिव तो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लेकिन जो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से पाकिस्तान में उस तरह से शायद काम नहीं हुआ लेकिन मेजरली जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम की आज हम सारी दुनिया में प्रेवलेंस देखते हैं वो भी शायद इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रॉगेस्ट मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है वो कंपटीशन होता है इसी बेसिस के ऊपर कैपिटलिज्म आज सक्सेसफुली हमें सारी दुनिया के अंदर मौजूद नज़र आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द कैपिटलिस्ट व्यू ऑफ सोशलिज्म इज़ असेंशल फॉर एनालाइजिंग द सोशल एंड एकनामिक चैलेंजेस फेसिंग द कंटम्प्रेरी सोसाइटीज़ आज की दुनिया के अंदर जो मेजर चैलेंजेस हैं हम उनको देखते हैं चाहे है वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हों या इकोनॉमिक चैलेंजेस हों तो हमें ये नज़र आता है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो उसके हवाले से कोई ना कोई सोलूशन पेश कर रहा है हाउएवर जो ही हम सोशलिस्टिक सिस्टम की तरफ देखते हैं तो वो इट रिफ्लेक्ट्स अ काइंड ऑफ यूटोपिया एक ऐसा ख्याल कि जिसके ऊपर शायद अमल नहीं किया जा सकता आइडियली सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन शायद इसके ऊपर अमल करना जो है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जब भी सोशलिस्टिक सिस्टम दुनिया के अंदर लाने की कोशिश की गई तो वो एफर्ट या वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी इसके बरक्स हम देखते हैं कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो सारी दुनिया के अंदर प्रेवलेंट है और जो मेजर रीज़न बताई जाती है वो ये है कि चूंकि ये फ्री मार्केट इकानमी के ऊपर यकीन रखता है और इसमें फ़र्द वाद के लिए जो है वो इक्वल मोटिव मौजूद है ताकि वो मेहनत कर सके इनोवेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सके फॉर द सेक ऑफ़ प्रॉफिट मेकिंग सो द स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म वुड रिक्वायर आ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें उसको सिर्फ किसी एक अप्रोच के तहत नहीं देखना उसका इफेक्ट जो है जिसकी वजह से सोशलिज्म कामयाब नहीं हो सका उसको भी हमें जज करना है उसको भी एनालाइज़ करना है ताकि हम ये देख सकें कि फ्यूचर के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्ट्रॉग पोजिशन के ऊपर हो सकता है अभी तक जो हमें दुनिया के हालात वाक़ात से नज़र आ रहा है वो कैपिटलिज़म है तो क्या सोशलिज्म अपनी जगह आने वाले वक्त में बना पाएगा या नहीं बना पाएगा इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू